मंत्री शहबाज शरीफ के कैबिनेट ने मंगलवार को शपथ ले ली है। इस कैबिनेट में 3 मिनिस्टर ऑफ स्टेट समेत 34 मंत्री हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के 3 सलाहकारों ने भी शपथ ली। हालांकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मंत्री पद की शपथ न लेकर सभी को चौंका दिया है। पहले कहा जा रहा था बिलावल शहबाज शरीफ की कैबिनेट में विदेश मंत्री बनेंगे। इससे पहले आसिफ अली जरदारी ने भी कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर दिया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की गठबंधन वाली नई सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान को सत्ता से बाहर करने के विपक्ष एक साथ आया, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इससे पहले तक शहबाज शरीफ की पार्टी PMLN और भुट्टो की पार्टी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे। दोनों पार्टियों के साथ आने पर इमरान खान ने भी इसे लेकर शहबाज और बिलावल पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा था कि अगले चुनाव में ये पार्टियां अलग अलग उतरेंगी। माना जा रहा है कि बिलावल ने आखिरी समय में कैबिनेट में ना शामिल होने का फैसला किया। दरअसल PPP में कुछ नेताओं का मानना है कि बिलावल भुट्टो PPP चेयरमैन हैं और पाकिस्तान में PM उम्मीदवार रहे हैं, तो वो इस बार अगर शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार में विदेश मंत्री के तौर पर शामिल हुए तो उनकी छवि धूमिल हो सकती है। इतना ही नहीं, अगले चुनाव में अगर वो जनता के सामने PM का चेहरा बनकर जाते तो उन्हें परेशानी उठानी पड़ती। इसी को लेकर उन्होंने ऐन मौके पर कैबिनेट में शामिल ना होने का फैसला किया।